वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया सैनी ऑफिशियल। जैसे कि हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे जो हाथ है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर रहे, बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटेड रहे, साथ में बहुत ही ज्यादा साफ रहे, क्योंकि हाथ भी हमारे लिए उतने ही जरूरी है जितना कि हमारा फेस। हम जितना अपने फेस की केयर करते हैं हमें उतने अपने हाथों की भी केयर करनी चाहिए। लेकिन अगर हम मैनिक्योर करवाने के लिए पार्लर में जाते हैं तो हमें देने पड़ते हैं काफी ज्यादा रुपए, जिसकी वजह से काफी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैनिक्योर करने का तरीका पार्लर स्टाइल, वो भी घर में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो नमस्कार, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो शेयर करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रिया सैनी ऑफिशियल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया है गर्म पानी, यानी कि गुनगुना पानी। अब यहाँ पर हम लेंगे शैम्पू, आप कोई सा भी शैम्पू ले सकते हो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करेंगे, दो ढक्कन हाइड्रोजन डालेंगे, आपको नॉर्मल मार्केट में मिल जाएगा ये। यहाँ पर अब मैं लूँगी अमोनिया, अमोनिया का हम एक ढक्कन डालेंगे। अगर आपको नहीं मिलता है अमोनिया तो आप ब्लीच के साथ जो एक्टिवेटर आता है बचा हुआ उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से ताकि एक अच्छा लेदर बन जाए। अब इसको साइड में रखेंगे। सबसे पहले अपनी नेल पेंट रिमूव करने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ एसीटोन, क्योंकि पार्लर्स में एसीटोन का ही यूज़ किया जाता है। दो फिंगर से ऊपर की तरफ से पकड़ना है और फिर नीचे की तरफ से पकड़कर अच्छे तरीके से इसको स्क्वीज़ करते हुए नेल पेंट को रिमूव करना है। मैंने यहाँ पर इसीलिए इसको डायरेक्ट रेड नेल पेंट लगाई है ताकि आपको स्ट्रेन दिखे मेरे नेल्स पर और आप बाद में देख सकते हो कि कितना अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। यहाँ पर अब दोबारा हम इसको लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़े से रोज़ पेटल डाले हैं पार्लर वाला लुक देने के लिए। पूरा जो ये प्यूमिक स्टोन है इसको थोड़ी देर डिप करके रख देंगे पानी में ही, और साथ में अपने हाथ को भी सोख होने देंगे। इससे क्या होगा, इससे जो आपकी स्किन है वो फूल जाएगी और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, जिससे आप क्लीनिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। 5 मिनट डिप होने के बाद धीरे धीरे मसाज करेंगे कुछ इस तरीके से, सॉफ्ट हाथ से, बिल्कुल भी टाइट नहीं चलाना है। अब हम यहाँ पर प्यूमिक स्टोन लेंगे और उसको सर्कुलर मोशन में धीरे 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 हमें चलाना है स्किन पर। जिसकी भी सेंसिटिव स्किन है वो लोग बहुत ही हल्का हाथ चलाएंगे प्यूमिक स्टोन से और कुछ इस तरीके से टाइट खींचते हुए स्किन को अप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से। आपको हर एक पार्ट पर स्ट्रेच करते हुए अपने हाथ को प्यूमिक स्टोन चलाना है। जिनकी सेंसिटिव स्किन है, नॉर्मल स्किन वाले भी कर सकते हैं, लेकिन प्यूमिक स्टोन को चलाते हुए ध्यान रखेंगे कि आपका हाथ बहुत ज़्यादा हल्का चलना चाहिए कुछ इस तरीके से, और बार बार डिप करते रहें ताकि वो ज़्यादा हार्ड ना हो। और अब अपने हाथ को डिप करेंगे अच्छे तरीके से, वॉश कर लेंगे एक बार कुछ इस तरीके से, और फिर दोबारा से डिप कर देंगे 2 मिनट के लिए। अब यहाँ पर मैंने ब्रश लिया है, इसको अच्छे तरीके से एक बार पानी में डिप करेंगे ब्रश को, और फिर हम अपना रब करना स्टार्ट करेंगे नेल्स को कुछ इस तरीके से। हल्के हाथों से रब करना है हमें, फिर अपनी फिंगर्स को अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन में, और हम अब पूरे अपने हाथ को क्लीन करेंगे कुछ इस तरीके से। ब्रश की हेल्प से क्या होता है कि आपको इजी हो जाता है काफ़ी ज़्यादा डस्ट को रिमूव करने में, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में काफ़ी तेज़ी से चलती है और अंदर तक क्लीन कर देती है हमारे हाथों को कुछ इस तरीके से, ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हम अपने हाथों को वॉश करेंगे अच्छे तरीके से, वॉश करना है आपको अपने हाथ को। ये हो गया है हमारा। अब यहाँ पर अपने हाथ को हैंड टॉवल की मदद से पैर ड्राई कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपनी नेल्स क्लीनिंग की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ पुशर, ये सारे के सारे स्टील के स्टेंसिल्स हैं। पुशर की मदद से हमें अपनी स्किन को पीछे की तरफ धकेलना है और साइड वाली स्किन को भी पीछे करना है, और जो भी एक्स्ट्रा स्किन होगी उसको भी हमें नेल्स पर से क्लीन करते हुए आगे की तरफ आना है कुछ इस तरीके से। यहाँ से क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा स्किन है, डेड स्किन है, वो भी हमारे नेल्स पर से रिमूव हो जाएगी, और ऐसा करने से हमारे नेल्स को अंदर की तरफ ऑक्सीजन मिलती है, यानी कि वो ओपन हो जाते हैं, जिससे कि ग्रोथ बहुत अच्छी होती है कुछ इस तरीके से। क्लीन कर लेंगे अपने सारे नेल्स को। यहाँ पर आप देख रहे हो साइड में से ज़रूर करना है, क्योंकि पूरे प्रॉपर नेल्स की हमें जो स्किन होती है, एक्स्ट्रा स्किन है, वो निकालनी है कुछ इस तरीके से। और साथ में कॉटन ले लेंगे, क्योंकि जो भी डस्ट होती है वो स्टेंसिल्स पे से साफ़ करने के लिए। अब यहाँ पर आप इसका यूज़ करेंगे, ये पीलर है, इसको इससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा स्किन होती है आप उसको निकाल सकते हो, वो बहुत इजीली कट जाती है इससे
कुछ इस तरीके से, लेकिन इसको बहुत ही ज़्यादा हल्का रख के स्किन पर से चलाना होता है, दबा के नहीं चलाना होता। अब यहाँ पर हम जो भी एक्स्ट्रा यानी कि जो भी क्रीम हो गई या फिर हम कह सकते हैं मैल हो गया नेल्स का, वो निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, एंगल स्टेंसिल बोलते हैं इसको, और इसका यूज़ करते हैं हम इसे खड़ा करके अंदर की तरफ से बाहर की तरफ को निकालते हैं। अब ये हो चुका है यहाँ पर, अब हम अपना हाथ वॉश कर लेंगे एक बार। ये मैंने साफ़ पानी लिया है नॉर्मल। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है क्लिंजर का, अच्छे तरीके से क्लिंजर को अप्लाई करेंगे। सर्कुलर मोशन में हमारे हाथ चलने चाहिए, क्योंकि जब हम अपना खुद का करते हैं तो हम सामने की तरफ से नहीं कर सकते, तो एक ही हाथ से करना होता है। तो इतने सारे स्टेप्स नहीं है, पर सर्कुलर मोशन में करें अच्छे तरीके से, कुछ इस तरीके से। और फिंगर की मदद से ये दो तीन स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको नेल्स की भी क्लीनिंग अच्छे तरीके से करनी होती है क्लिंजर से। अब इंडिविजुअल फिंगर्स को इस तरीके से कुछ प्रेस करके आप कर सकते हो रब। अब यहाँ पर अच्छे तरीके से सर्कुलर मोशन में, सारे स्टेप सर्कुलर मोशन में होंगे। अब इसको हम कर देंगे वॉश। ये क्लीन वाटर था, प्लेन वाटर था ये, इसको अच्छे तरीके से करने के बाद यहाँ पर सेकेंड स्टेप है स्क्रब का। ये जो मैंने यहाँ पर किट ली है, ये है VLCC की मैनिक्योर पेडिक्योर किट। आपको 350 की ये मार्केट में इजीली मिल जाती है, और 350 में आप इसे 10 से 12 बार आराम से कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन में आपको अप्लाई करना है। जो स्क्रब है इसका, जो एक्सफोलिएटर, बहुत ही अच्छा काम करता है ये, और आपके इतना हार्श नहीं रहता आपकी स्किन पर, नॉर्मल है, जेंटली काम करता है। स्क्रब को भी कुछ इस तरीके से आपको करना है सर्कुलर मोशन में, अंदर तक फिंगर्स की मदद से आपको क्रॉस करते हुए करना है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप अच्छे तरीके से स्क्रबिंग करेंगे, ध्यान रखेंगे कि अपनी फिंगर टिप से सर्कुलर मोशन में करेंगे। अपने हाथ को वॉश कर लेंगे यहाँ पर, अब धो लेंगे अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर है थर्ड स्टेप इसका क्रीम। क्रीम लेकर आपको जेंटली मसाज करनी है, और इस क्रीम का फ़ायदा क्या है, ये आपको रिलैक्स करती है आपके हाथ को, क्योंकि आपने काफ़ी सारे प्यूमिक स्टोन्स वगैरह का यूज़ किया है, तो ये रिलैक्सिंग का भी काम करती है। तो कुछ इस तरीके से अपने फिंगर्स को बाहर की तरफ खींचना है, और साथ में सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे मसाज करनी है, जिससे कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो सके और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बन सके। अच्छे तरीके से अप्लाई करना है मसाज क्रीम को, और अपने हाथ को रिलैक्स देने के लिए आप अपने हाथ को प्रेस भी कर सकते हो। काफ़ी सारे स्टेप्स हैं प्रेसिंग के, वो आप अपने आप भी कर सकते हो। और यहाँ पर जो मेरे को अच्छा लगता है वो यही स्टेप है, अपने थंब और फिंगर्स की मदद से अच्छे तरीके से जॉइंट्स पर से प्रेस करना, कुछ इस तरीके से। पूरी क्रीम को हमें यहाँ पर ड्राई करना है, ये हो गई है। अब एक बार अपने हाथ को वॉश कर लेंगे, और प्लेन वाटर यानी कि साफ़ पानी से भी एक बार अपने हाथ को वॉश कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर पैड ड्राई करेंगे अपने हाथ को अच्छे तरीके से। ये हो गया है यहाँ पर। अब हमारा जो मेन स्टेप है वो है क्यूटिकल ऑयल। ये क्यूटिकल ऑयल भी आपको किट में ही मिलता है। यहाँ पर आपको हर एक फिंगर पर क्यूटिकल ऑयल लगाना है नेल्स पर, और अच्छे तरीके से मसाज करनी है। इसकी मसाज आपको 5 से 10 मिनट करनी ही है। तो इससे क्या होगा, आपके जो नेल्स हैं और जो क्यूटिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, हेल्दी आपके नेल्स हो जाएंगे। बेसिकली ये क्यूटिकल ऑयल आपके नेल्स के लिए होता है, आपके नेल्स को हेल्दी बनाने के लिए। इससे आपके नेल्स की ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ये हो गया है। अगर आप चाहते हैं फाइलर का यूज़ करना तो आप फाइलर कर सकते हैं, नेल कटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ शाइनर का, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग नेल पेंट नहीं लगाना चाहते, वो सिर्फ अपने नेल्स को ऐसे ही रखना चाहते हैं, तो आप शाइनर का यूज़ कर सकते हो। इससे आपके नेल्स पर शाइन आ जाती है। लेकिन अगर आप नेल पेंट लगाना चाहते हो तो आपको पता ही है, सबसे पहले बेस कोट लगाना है, उसके बाद आपको नेल पेंट लगानी है। यहाँ पर मैंने जेल नेल पेंट का यूज़ करा है, बेस कोट मैं लगा चुकी हूँ। तो कुछ इस तरीके से जेल नेल पेंट का लगाना है, और वन स्ट्रोक में ही आपको लगाना है। और आप देखोगे अगर आप दो स्ट्रोक में लगाओगे तो आपकी नेल पेंट कभी भी नहीं फैलेगी, जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ही अच्छे तरीके से नेल पेंट लगती है। सो आप इस तरीके से कर सकते हो पार्लर की तरह मैनिक्योर घर में ही। प्रोडक्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये है फाइनल लुक। सो आई होप आप लोगों को मेरे मैनिक्योर करने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, नमस्ते।